Hi everyone, चलिए we are quickly starting and continuing with the next question, that is question number 9 of your miscellaneous exercise from the chapter 5, continuity and differentiability. हम लोगों ने अभी तक past 8 questions discuss करे हुए हैं. By chance अगर आप लोगों ने कोई particular question miss कर दिया है या आप cover up नहीं कर पाए हैं तो make sure that you have seen the previous videos and have liked, shares and subscribed us and do share this video. मैं हम आप लोगों के लिए free content provide कर रहे हैं online, तो do share it with your friends and so that they can also get the similar knowledge, right? चलिए we are moving on to the next question and the next question says that y is equal to sin x minus cos x की power sin x minus cos x. तो अगर आपको याद होगा हम लोगों ने इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट भी अप्लाई किया था कि हम जब भी हमें एक वेरिएबल की पावर वेरिएबल का टर्म दे रखा होता है तो हम यहाँ पे लॉग लेते हैं दोनों साइड्स. तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, सो वी आर गोइंग टू गेट लॉग y लॉग sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x. अब आप ऑलरेडी यहाँ पर जानते हैं दैट log a की पावर b इज़ इक्वल टू b log a. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने क्या किया, log y इज इक्वल टू sin x माइनस cos x इंटू log sin x माइनस cos x. अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास दो फंक्शंस बन गए, एक ये और एक ये, है ना. तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा जब इसमें डिफरेंशिएशन करूँगा. तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y dy/dx, है ना. यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले तो मैंने sin x माइनस cos x को कांस्टेंट रखा और फिर मैंने 1/sin x माइनस cos x किया, ठीक है. फिर मैंने sin x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन किया विच वुड बी cos x माइनस माइनस sin x, है ना. सो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे यहाँ पर sin x माइनस cos x sin x माइनस cos x कट जाएगा, है ना, राइट. सॉरी, मैंने अभी एक ही किया, मेरे को अभी एक और करना है. दैट मीन्स जहाँ पर मैं log sin x माइनस cos x को कांस्टेंट रखूँगा और sin x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करूँगा जो क्या होगा, cos x माइनस माइनस sin x. अब मैंने क्या करना है, बस इसको ओपन अप कर देना है. यहाँ पर ये तो कट गया तो मेरे पास क्या बचा, सर मेरे पास बचा cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x, है ना. फिर प्लस का साइन, cos x प्लस sin x एंड यहाँ पर आया log sin x माइनस cos x. तो अगर आप देखेंगे ये मेरे पास फाइनल आंसर आया यहाँ तक. अगर आप देखेंगे मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, सर यहाँ से मैं cos x प्लस sin x कॉमन ले सकता हूँ. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर 1/y dy/dx चलता जा रहा है, 1/y dy/dx कंटिन्यूएशन में चल रहा है. तो cos x प्लस sin x मैंने यहाँ पे कॉमन लिया बेटा, तो मेरे पास बचा 1/sin x माइनस cos x, है ना, 1/sorry, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ बेटा, ये थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कट गया था ना, तो मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ी करी, राइट. अगर आप देखेंगे यहाँ पर बचेगा 1/log sin x minus cos x, राइट. अगर आप देखेंगे ये y इस तरफ ले जाएंगे, वी आर गोइंग टू टेक दिस y आउट हियर, तो हमारे पास हो जाएगा dy/dx विच वुड बी y इंटू cos x प्लस sin x इंटू 1/log sin x minus cos x, जो हमारे पास फाइनल y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू हम एक्सपैंड कर देंगे, जो वैल्यू क्या है हमें पता है, sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x
इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये कॉमन है, वन प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट। यही हमारी यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी डिफाइंड है। आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत क्लियरली क्लियर होगा।